स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेई ढाबा में। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, और आज हम पढ़ेंगे मिशन मोड परियोजना, जो हमारे नेक्स्ट पहल है। चलिए देखते हैं। मिशन मोड परियोजना जो कि हमारा ई गवर्नेंस के अंतर्गत पहल है, जो वो हम पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन मोड परियोजना, मिशन मोड परियोजना MMP राष्ट्रीय ई शासन के अंतर्गत एक स्वतंत्र परियोजना के तौर पर शुरू की गई। देखिए किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय ई शासन के अंतर्गत, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ई शासन के अंतर्गत शुरू की गई यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक शासन के विभिन्न पहलुओं जैसे बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या व्यवसायिक कर आदि पर आधारित सेवाओं का ध्यान रखकर बनाई गई हैं। तो याद रखिएगा किस किस को ध्यान रखकर बनाई गई हैं? बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड, व्यवसायिक कर आदि पर आधारित सेवाओं का ध्यान रखकर बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? राष्ट्रीय ई शासन योजना की मिशन मोड परियोजना स्पष्ट रूप से उद्देश्य व्यापकता और कार्यान्वयन की समय सीमा और उपलब्धियों के साथ साथ मूल्यांकनीय परिणामों और सेवा स्तरों को परिभाषित करती है। बहुत बढ़िया परियोजना है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ई शासन परियोजना 44 मिशन मोड परियोजनाओं, जो कि पहले 27 थी, जो कि राज्य, केंद्र या एकीकृत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। तो जो मिशन मोड परियोजना है इसके बारे में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चंस बन सकता है कि MMP का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा MMP का फुल फॉर्म मिशन मोड परियोजना। नेक्स्ट परियोजना है हमारी भारत नेट प्रोजेक्ट, जो हमारे 10 नंबर पर परियोजना है। चलिए देखते हैं, इससे क्वेश्चंस काफी बनने की संभावना है। तो भारत नेट परियोजना का नाम पहले क्या था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस नेटवर्क, नाम बोल सकते हैं आप OFCN, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस नेटवर्क। अब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत नेट परियोजना का नाम पहले क्या था, तो आप आसानी से बता सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, OFCN का फुल फॉर्म क्या है। चलिए देखते हैं। अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था, 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट रखा गया था। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। देखिए आप कि अक्टूबर 2011 में किसको लॉन्च किया गया था? OFCN को, मगर इसका 2015 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भारत नेट। सो इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। अगर इसकी बात करें कि इसको फंड कहाँ से मिलता है, तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड, जो आपका यू एस
ओएफ के द्वारा इसको क्या फंड मिलता है। इस परियोजना को तीन संस्थाएं आगे बढ़ा रही हैं, कौन कौन सी हैं देखेंगे, बीएसएनएल, रेलटेल एंड पावर ग्रिड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहां पे, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अलग से एक निकाय बनाया गया जिसे कहा जा रहा है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि कब बनाया गया, 25 फरवरी 2012 इस डेट को बनाया गया। तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छे अच्छी इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए हमने दो परियोजना पढ़ी हैं, मिशन मोड परियोजना और भारत नेट परियोजना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हम अपनी जो वीडियो अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे हमारी आप के हमारे द्वारा आपकी MPPSC द्वारा जो चल रही है तैयारी वो हम संपूर्ण कर सकें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें आप। आपका धन्यवाद और इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।